वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमारे पास 28 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 144 और एन की वैल्यू दी हुई है 9। इट मींस ये हो जाएगा एस ऑफ 9, राइट। और इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो चीज़ है हम उसके फॉर्मूला रख लेते हैं। हमारे पास एस ऑफ 9 दिया हुआ है, तो एस ऑफ 9 इज इक्वल टू 9/2 ए प्लस एल, राइट। एस ऑफ 9 कितना था, 144 इज इक्वल टू 9/2। ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है और एल की वैल्यू 28 थी, तो 28 लिख दिया। 144 इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9a प्लस 28 मल्टीप्लाई 9, मैं इसको यहाँ अंदर लेके जाता हूँ तो 144 इट मीन्स 882 इज इक्वल टू 9a प्लस 28 इंटू 9 करना पड़ेगा, आ जाएगा। अब इसको मैं यहां पे लेके जाता हूं तो 288 माइनस 252 इज इक्वल टू 9a, इसको माइनस कर लीजिए, 630 इज इक्वल टू 9a। a की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 नीचे जाएगा, 36/9 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ए। तो आपका फर्स्ट टर्म इस तरीके से मिल चुका है। काफी आसान क्वेश्चन है, तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नए पार्ट के अंदर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और करीबन ये सारे वीडियोस हमारे बहुत शॉर्ट शॉर्ट हो रहे हैं। आप मैक्सिमम करीबन 1 या 2 मिनट या 3 मिनट तक का वीडियो जाता है, तो आप ये वीडियोस को बार बार भी देख सकते हो, तो आपको तुरंत सारे क्वेश्चंस की रिवाइज हो जाएंगे। मिलते हैं पार्ट 22 के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।